नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल फॉर पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। अब 40 दिन के लॉकडाउन पे मात्र 7 दिन और बचे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रीवा में ही एक मामला सामने निकल कर आया है। बिंद रिसर्च सेंटर से डॉक्टर राजेश के द्वारा जो है कहीं ना कहीं पर कोरोना से संबंधित दिल्ली में जब वो गए हैं तो उसके बाद वो रिजल्ट आई, फिर प्रशासन जो हरकत में आई, हरकत में आने के बाद में उनकी लिस्ट निकाली गई। लिस्ट निकालने पर सीधी ज़िले के 4 ऐसे व्यक्ति जो हैं वो उनसे संपर्क में आए हुए थे, संपर्क में लिस्ट में नाम आए, जिसमें कि सीधी के 2 और रामपुर नैकिन के 1 और एक अमिलिया के। तो मैं इस समय मौजूद हूँ सियावर विधानसभा के अमिलिया में। अमिलिया ये चौराहा कहलाएगा। जैसे ही प्रशासन को जानकारी मिली कि अमिलिया में कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है, क्योंकि दवा करवाने वो गए थे, मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि वो उनसे दवा करवाएं, दवा कराने के बाद वो इलाहाबाद चले गए थे। इलाहाबाद से अभी फ़िलहाल तो वो रिटर्न वापस नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है मुस्तैदी से इस बात को गंभीरता से ले रहा है कि उनके परिजन हो सकता है कहीं ना कहीं पर उनसे मिले हों और मिलने के बाद में उनके संपर्क में आए हों। तो हाई अलर्ट हो चुकी है प्रशासन। मैं आपको अपने कैमरे में दिखा सकता हूँ, इस समय चौराहे का ये नज़ारा है। चौराहे पर आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है। अभी कुछ देर में डॉक्टर टीम आने वाली है। डॉक्टर टीम आने के बाद में उनके परिजनों से बातचीत की जाएगी। परिजनों से बात करने के बाद में ही उनकी मेडिकल चेकअप होगी। मेडिकल चेकअप होने के बाद में स्थिति क्या है मैं आपको कैमरे से दिखा सकता हूँ। आप कैमरे में देख सकते हैं ये चौरहट चौराहा है। पीछे का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। पीछे का नज़ारा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे का नज़ारा है। बैरिकेड वगैरह लगा दी गई है और बैरिकेड लगाकर जो है इसको वो सील कर दिया गया है। यहाँ थाना प्रभारी की गाड़ी खड़ी हुई है। ये थाना प्रभारी की गाड़ी है और पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है। डॉक्टर की टीम भी कुछ देर में यहाँ पर मौजूद होगी और डॉक्टर की टीम आएगी और डॉक्टर की टीम आने के बाद में जांच हो पाएगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर साहब भी आएंगे। डॉक्टर आने के बाद में इनकी चेकअप होगी। चेकअप के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि इससे घबराया जा सके, लेकिन फिर भी मुस्तैद जो है पुलिस जो है वो मुस्तैद है। और मुस्तैद का कारण ये है कि कहीं ना कहीं पर जब लिस्ट में अमिलिया का नाम आया है, क्योंकि अमिलिया ग्रीन जोन पर था, सीधी ज़िला पूरे ग्रीन जोन पर था, और संभाग की बात करें तो संभाग भी जो है वो ग्रीन जोन पर था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर वाली एक मामला निकल कर सामने आया है तो पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है, पूरा प्रशासन हरकत में आ गया है। और मैं आपको बता दूँ कि लॉकडाउन पर जो छूट दी गई है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सारी दुकानें खोलने का आदेश हो चुका है, जिसमें कि कुछ दुकानें छोड़कर होटल हो गई, नाव की दुकान हो गई, या ब्यूटी पार्लर हो गया, स्विमिंग हो गया, या कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद बाकी दुकानें जो है वो खोली जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार का नज़ारा अमिलिया में अभी देखने को मिला, जिस प्रकार का केस अमिलिया में आया है, तो कुछ दुकानें जो हैं वो मुझे खुली हुई दिख रही हैं, बाकी दुकानें जो है साफ तौर पर बंद नज़र आ रहा है। लोग डरे सहमे भी हुए हैं कि भाई क्या रिजल्ट सामने आता है। अब देखते हैं डॉक्टर की टीम आने के बाद में क्या हो सकता है। पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर मुस्तैद है, चौराहे पर खड़ी हुई है। अब उनको उनके परिवार का चेकअप होगा। चेकअप होने के बाद में क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन करने की उनकी व्यवस्था की जाएगी। अब देखते हैं कि मेडिकल डिपार्टमेंट आने के बाद में और क्या हो सकती है, या वरिष्ठ अधिकारी अगर कोई आते हैं तो उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और पूरी स्थिति जानने का प्रयास करेंगे कि लॉकडाउन में जो छूट दिया गया है, अगर स्थिति इस प्रकार निकलती है तो कहीं ना कहीं पर प्रश्न चिन्ह बन जाता है। जैसा कि रीवा में डॉक्टर सिंगल के पास में जो मरीज गए हुए थे उनकी सूची आने के बाद में जिला प्रशासन हाई अलर्ट हो गया, मैंने आपको बताया। वैसे ही हमारे पास में सिहावल SDM सुधीर जी जुड़ गए हैं और वो तुरंत जो हैं उनके परिवारों वालों से संपर्क करने का प्रयास करिए। जानते हैं कि सर उसमें उन्होंने क्या फैसला लिया और क्या निर्णय निकाला गया। सर जैसे ही अपनी जानकारी मिली अपने क्या किया सर? ये जानकारी आप लोग के माध्यम से मिली थी, इसलिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि अमिलिया के एक व्यक्ति संतोष गुप्ता थे, तो हम लोग यहाँ अमिलिया में पहुँच चुके हैं। हमारी डॉक्टर की टीम भी है और जैसे कि लोकेशन में देख के बताया गया कि उनके 2 घर हैं वहाँ पे, तो 2 घर में जितने भी सदस्य रहते थे और उसके आसपास जो किराए पे रहते थे सभी को हम लोगों ने चेकअप किया है और उसे हम लोग जिला प्रशासन को अवगत करा देंगे और हो सके तो उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए निर्देशित करेंगे। देखिए साफ तौर पर डॉक्टर की टीम भी लगी हुई है, डॉक्टर की टीम जांच कर रही है। हम डॉक्टर से ही बात करेंगे, डॉक्टर से समझने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और घबराने की आवश्यकता नहीं, आप लोग घबराएं ना, डरे ना और अफवाह में ना फैलें। ये एक सिंपल सी तरीका है, उनके संपर्क में आने के बाद में जाँच करने की एक प्रक्रिया होती है, तो जाँच प्रशासन द्वारा करवाई जा रही है ताकि कोई ऐसा सिम्टम ना महसूस हो जाए, ना कोई ऐसा मरीज सामने आ जाए। तो हम डॉक्टर की टीम से ही बात करेंगे। बल्कि डॉक्टर साहब की टीम जो आई हुई थी वहाँ पर इन लोगों ने जांच किया, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा। सर जैसी स्थिति आई आप लोगों ने जांच किया, क्या स्थिति है सर अभी? स्थिति तो
ठीक है, लेकिन ठीक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस केस से जैसे असिम्प्टोमेटिक केस बढ़ते जा रहे हैं, सिम्टम आ नहीं रहे, और लोगों को इसके बारे में आइडिया भी नहीं कि ऐसा भी कोई बीमारी होता है जिसका सिम्टम ना आए, तो थोड़ी इनको समझ पाना मुश्किल है ना, और समझा पाना उससे ज़्यादा मुश्किल। और जैसे कि हल्का लॉकडाउन में इनको राहत दे दी गई है, उसके कारण केस बढ़ने की संभावना और हो गया है, कि जितना हमने पहले सख्ती बरती थी उससे ज़्यादा समस्या अब होने वाली है, ऐसा फील हो रहा है। फिलहाल इनको क्या गाइडलाइन दी गई है? इनको नॉर्मली गाइडलाइन ही होम क्वारंटाइन के लिए बेस्ट बोला जा रहा है कि आप करें, और नॉर्मली जो हम कुनकुना पानी पीने का, साफ सफाई रखने की चीज़ें सबको बता रहे हैं, इवन कहीं भी 2 सेकंड के लिए बाहर आएँ, कोई भी ऑब्जेक्ट टच करें, तो जो गाइडलाइन है हमारी कि हमें इमीडिएटली हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज़ करना है, क्लॉथ वॉश करना है, वो सब चीज़ इनको समझाया गया है, और बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा उसको फॉलो करते हैं। साफ तौर पर देखिए डॉक्टर साहब का ये कहना है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, अगर आप सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो गाइडलाइंस जो बनाई गई है उसका पालन करें, और घबराने की आवश्यकता नहीं है, और घबराएं ना, क्योंकि केस सिंपल जो तरीका है, जो अगर केस जो डॉक्टर साहब की आई थी उसके जाँच के लिए ही ये करी जा रहा है कि हो सकता है। और मैं आपको ये बता दूँ, जो छूट दी गई है, और ये जो 8 दिन और बचे हुए हैं, जो छूट दे दी गई है कि हर दुकानें जो खुलेंगी, फिलहाल मैं अपने कैमरे में जो कैद किया हूँ, कैमरे में आपको दिखा सकता हूँ, छूट के बाद जैसे ही अमीलिया की स्थिति सामने आई है, आप देख सकते हैं मेरे कैमरे पे सारी दुकानें जो हैं वो बंद है, प्रशासन मुस्तैद है, कैमरे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सियावल SDM, डॉक्टर की टीम, थाना प्रभारी अमीलिया और पूरी टीम जो है मुस्तैद हो गई है, मेडिकल की दुकान खुली है, बाकी टोटल दुकानें जो हैं यहाँ पर बंद रही। तो हमने पूरा अपडेट आपको दिखाया, डॉक्टर साहब से भी मैंने बात करवाई और SDM सर से भी मैंने आपसे बात करवाई, और मैं आपको यही कहूँगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराएं ना, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और नियमों का पालन करें, ताकि इस अज्ञात बीमारी जो कोरोना है इससे बचा जा सके, और अफवाहों से बचते रहें, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी को अफवाह फैलाना नहीं है। जैसे ही लिस्ट में नाम आई थी उस तरीके से प्रशासन हाई अलर्ट हो गया था, हाई अलर्ट होने के बाद में उनके घर की चेकअप चालू कर दी गई, हालांकि जो मरीज इनके संपर्क में डॉक्टर से आया था वो फिलहाल इलाहाबाद में है, फिर भी सतर्कता बरतते हुए जो है यहाँ पर डॉक्टर की टीम ने उनके पूरे घर को जो है चेकअप किया और होम क्वारंटाइन करने के लिए सलाह दी। तो बने रहें ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ों के लिए, हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ देते रहेंगे। सीधी से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज भोर के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।